क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ यू बराबर टेन इनवर्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स फाइंड। तो हमें फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट फाइंड करने हैं। इससे पहला पार्ट है एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई। सेकेंड है एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले पार्ट की वैल्यू निकालते हैं। तो सॉल्यूशन तो जो दिया है यू एक्स कॉमा वाई, ये टेन इनवर्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। तो चेक करते ही होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं, अगर है तो यूलर थ्योरम अप्लाई करेंगे, अगर नहीं है तो इसे होमोजीनियस फंक्शन बनाएंगे, क्योंकि यूलर्स थ्योरम होमोजीनियस फंक्शन पे ही अप्लाइड होती है, अप्लीकेबल होती है उसी के लिए। तो यू लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई जो मेथड टेन इनवर्स लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा एक्स। तो टेन इनवर्स ये लैम्डा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इज नॉट इक्वल टू लैम्डा की पावर एन यू एक्स कॉमा वाई। ये इस वाली फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता फंक्शन, अतः ये एक होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। यू इज नॉट ए होमोजीनियस फंक्शन। जब फंक्शन नहीं है तो हमें होमोजीनियस बनाना है, तो हम इस तरीके से इसको लिखेंगे। वी कैन राइट तो टेन यू बराबर, तो जेड बराबर मान लेंगे इसको वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। तो जेड बराबर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स के ऊपर नीचे गुणा करें तो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसे एक्स इंटू वाई स्क्वायर, तो इसे एक्स की पावर फाइव बाई एक्स लिख सकते हैं। तो जेड बराबर क्या आ जाएगा, एक्स फाइव वाई अपॉन एक्स। तो जेड इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री वन, वाई यूलर्स डिडक्शन फर्स्ट एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू, जहां एफ यू बराबर होता है जेड। तो जेड बराबर क्या है, टेन यू है, जेड बराबर है टेन यू बराबर एफ यू। तो एफ डैश यू आ जाएगा हमारा सेक स्क्वायर यू। तो इसमें वैल्यू रख देते हैं इस इक्वेशन में। तो एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर एन की वैल्यू है वन और एफ यू है टेन यू अपॉन एफ डैश यू सेक स्क्वायर यू, तो जाएगा टेन यू अपॉन सेक स्क्वायर यू। और सेक स्क्वायर यू होता है वन प्लस का टेन स्क्वायर यू। तो एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर टेन यू अपॉन वन प्लस का टेन स्क्वायर यू। तो वैल्यू रख देते हैं, तो टेन यू बराबर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स है, तो यहाँ इसमें रख देते हैं। तो एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, तो वन प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन एक्स का स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स अपॉन वन प्लस का वाई की पावर फोर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये नीचे एलसीएम लेते हैं, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर फोर अपॉन एक्स स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। तो एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर
वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। तो वाई स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। तो ये आ जाएगी इसकी वैल्यू, तो एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर वाई स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। तो ये आ जाएगा आंसर। तो सेकंड पार्ट के लिए, तो वाई यूलर्स डिडक्शन डिडक्शन सेकंड फार्मूला, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस का वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर जी यू और जी डेस यू माइनस का 1, जहाँ जी यू बराबर होता है एन एफ यू अपॉन एफ डेस यू, यू का फंक्शन। देखिए हमारे पास क्या आया था ऊपर वाली इक्वेशन में, जी यू क्या है टेन यू अपॉन सेक स्क्वायर यू, तो इसे और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो जी यू बराबर लिख लेते हैं टेन यू अपॉन सेक स्क्वायर यू, तो साइन यू अपॉन कॉस यू बराबर इंटू ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर यू, तो साइन यू और ये कॉस यू इसे कट जाएगा, तो इसमें दो का गुणा करते दो का भाग करते तो ये आ जाएगा वन वाई टू इंटू टू साइन यू और ये कॉस यू, तो जी यू बराबर आ जाएगा वन वाई टू साइन टू यू। और हमें क्या निकालना है जी डैश यू, तो इसका क्या कर देंगे डेरिवेट, तो जी डैश यू बराबर वन बाई टू कॉस टू यू इंटू यू, तो जाएगा कॉस टू यू, तो जी यू और जी डी एस यू की वैल्यू इसमें रख देते हैं, तो ये हमने वैल्यू रख दी जी यू और जी डी एस यू की, तो हम इसे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो वन बाई टू साइन टू यू और ये कॉस टू यू माइनस का 1, तो वन बाई टू इसको लिख लेते हैं, अब हम साइन टू यू और कॉस टू यू का फार्मूला टेन यू के टर्म में लिखेंगे, तो ये आ जाएगा टू टेन यू अपॉन वन प्लस का टेन स्क्वायर यू और ये आ जाएगा वन माइनस का टेन स्क्वायर यू अपॉन वन प्लस का टेन स्क्वायर यू माइनस का 1, तो वन बाई टू इंटू टू टेन यू अपॉन वन प्लस का टेन स्क्वायर यू, ऐसे लेंगे तो वन माइनस का टेन स्क्वायर यू माइनस का 1 माइनस का 1 टेन स्क्वायर यू अपॉन वन प्लस का टेन स्क्वायर का यू बराबर 1 दो से दो, तो टेन यू अपॉन वन प्लस का टेन स्क्वायर यू हो जाएगा माइनस का 2 टेन स्क्वायर यू अपॉन वन प्लस का टेन स्क्वायर का यू, वैल्यू रख देते हैं टेन स्क्वायर यू सॉरी टेन यू बराबर है हमारे पास वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, तो इसमें रख देते हैं तो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन एक्स का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस वन प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन एक्स का स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का 2 वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये ऊपर जाएगा तो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू का एक्स स्क्वायर
प्लस के y की पावर 4 इंटू माइनस का 2 वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। तो देखिए ये एक्स से ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, सॉरी यहाँ कितना आएगा 4 आएगा। इंटू और ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इससे एक ये एक्स चला जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक एक्स बचेगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 2 एक्स वाई की पावर 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4, तो आ जाएगा माइनस का 2 एक्स वाई की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 का होल स्क्वायर। तो ये इसका वैल्यू निकल के आएगा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x इंटू डेल y प्लस का y स्क्वायर डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर। तो ये आएगा हमारा आंसर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।